बीए पाठ द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकाल के मेरे प्रिय समस्त विद्यार्थियों, कल के YouTube व्याख्यान में हमने कवि बिहारी के जो दोहे हैं उनकी सहप्रसंग व्याख्या देखी। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको उनके दोहा संख्या जो बिहारी सतसई से संकलित किए गए हैं आपके पाठ्यक्रम में हैं, दोहा संख्या 18 से 24 तक की सहप्रसंग व्याख्या आज अपने इस व्याख्यान में मैं आपको बतलाऊंगा। दोहा संख्या जो 18 है वह है, लाल तुम्हारे विरह की अगनी अनूप अपार, सर से बरसे नीर हूँ झर हूँ मिटे न झार। यहाँ ये जो दोहा है वो प्रसंग हम इसका सबसे पहले लेंगे। प्रस्तुत जो दोहा है वो कवि बिहारी के द्वारा रचित किया गया है, जिसको बिहारी सतसई से लिया गया है, और इसमें श्रृंगार का वर्णन यहाँ कवि बिहारी के द्वारा इस प्रस्तुत दोहे में किया गया है। नायिका की जो सखी है यहाँ नायक के विरह की विशेषता को बतलाती हुई कह रही है। व्याख्या जब हम इसके करेंगे तो इसके जो कठिन शब्द हैं, झर का तात्पर्य होता है झड़ी से और झार का मतलब होता है प्रज्वलन, यानी बहुत ही जलाने वाली। नायिका की जो सखी है वो नायक को संबोधित करते हुए उसको आकर ये कह रही है कि हे लाल, तुम्हारे विरह की तो अत्यंत विचित्र तथा अनंत ज्वाला है। विरह की जो विरहाग्नि है वह अनंत है और बिल्कुल ज्वलनशील है, प्रज्वलित वो होती रहती है, निरंतर जला देने वाली है। जो पानी अर्थात विरहिणी जो नायिका है वो अपने नायक के विरह की अवस्था में होने के कारण नित प्रति अपनी आँखों से अश्रु बहाती रहती है और उसके नायिका के आँखों से अश्रुओं की धाराएं बहते हुए रहने के कारण भी वह समाप्त नहीं होती है। और जो पानी अर्थात जो अश्रु जल निकल रहे हैं कि निकल नहीं रहे हैं अभी तो वो बरस रहे हैं, आँखों से बरस रहे हैं, लगातार बरस रहे हैं, अनवरत रूप में बरस रहे हैं, पर अधिक बढ़ जाती है। अर्थात तुम्हारे प्रति प्रेम इतना दृढ़ होता है और अविरल आंसुओं के प्रवाह से भी विरह का ताप शांत नहीं हो पाता है। ये नायिका की सखी कह रही है, उस नायिका के नायक से ऐसा वो बतला रही है। यहाँ विशेष में हम कौन सी चीज़ इसमें ग्रहण करेंगे, यानी विरह की जो विचित्र दशा है, इस विचित्र दशा का यहाँ वर्णन किया गया है। विरह की जो दशाएँ हैं वो 10 मानी गई है और उनमें विरह भी सम्मिलित है, और अंतिम जो अवस्था है वो मरणासन अर्थात मृत्यु तक जाने वाली अवस्था का वर्णन यहाँ हमारे साहित्य के अंतर्गत यहाँ किया गया है। लेकिन नायिका का विरह अपने नायक से हुआ है और नायक जब उससे नहीं मिल पा रहा है तो लगातार उस विरहिणी नायिका की आँखों से यहाँ अश्रुओं की धाराएँ प्रवाहित होती रहती है, यानी आँखों से अश्रुओं की धाराओं के प्रवाहित होते हुए रहते हुए भी, यानी वो प्रवाहित न होकर के और क्या हो रहे हैं, बरस रहे हैं। यहां विशेष में हम दूसरी चीज इसमें ये ग्रहण करेंगे, इसमें विभावना अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है, विशेषोक्ति तथा अद्भुत अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। साथ ही जो 19वां जो दोहा है इसका अब हम उसकी हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निधाग। अहि का यहाँ तात्पर्य हम लेंगे सांप से, सर्प से, और निधाग का मतलब हम यहाँ लेंगे ग्रीष्म की ऋतु से, और दाग का मतलब हम यहाँ लेंगे गर्मी ग्रीष्म ऋतु से। प्रसंग इसका ये लेंगे कि जो प्रस्तुत दोहा है वो कविवर बिहारी के द्वारा रचित है और ये बिहारी सतसई से लिया गया है, जिसमें कवि बिहारी ने यहाँ ग्रीष्म की जो प्रचंडता है, उस ग्रीष्म की जो भयंकरता है, गर्मी की जो भयंकर जो उसमें बात होती है, उसी बात का यहाँ ग्रीष्म ऋतु का वर्णन इसमें किया है, और ग्रीष्म के प्रभाव से जगत को तपोवन जैसा भी उन्होंने बताया है कि जगत पूरा तपोवन के समान लगता है,
व्याख्या यदि हम इसकी करेंगे तो व्याख्या में हम इस पद की व्याख्या, इस दोहे की व्याख्या इस तरह से कर सकते हैं कि इस पद में, इस दोहे में कवि बिहारी ने ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी का यहाँ वर्णन करते हुए संपूर्ण धरती को यहाँ तपो भूमि या तपोवन के समान माना है, और क्योंकि गर्मी के ताप से व्याकुल होकर, गर्मी ग्रीष्म की भयंकर जब जून जुलाई का महीना होता है और जेठ के महीने की जो ज्येष्ठ वो उसकी भयंकर जब ताप और जब लू का प्रकोप जब बढ़ जाता है जून मई जून के महीने में, तो वहाँ पर देखिए कौन कौन से जो जंगल के जो जानवर हैं वो एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, और वो एक जगह एकत्रित वैसे अन्य ऋतुओं में कभी नहीं रहते, लेकिन ग्रीष्म के प्रभाव के कारण उन्हें केवल अपनी अपनी जान बचाने की यहाँ पड़ी है। तो उनमें यहाँ सांप अर्थात सर्प भी आपको वहाँ एक पेड़ के नीचे बिल्कुल जहाँ ठंडी छाया होगी वहाँ विश्राम करते हुए दिखाई दे जाएगा। वहाँ पर पेड़ के ही ठंडी छाया में वहाँ मोर भी बैठा हुआ होगा, वहाँ पर मृग अर्थात हरिण भी वहाँ पर बैठा हुआ होगा, और बाघ अर्थात शेर वगैरह वहाँ बैठा हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। जबकि ये सारे के सारे जो जानवर हैं वो एक दूसरे जानवर के क्या है, दुश्मन है, शत्रु है। अगर मोर को सांप दिखाई दे जाएगा तो मोर सांप को खा सकता है, बाघ को अगर मृग दिखाई दे जाएगा तो है मृग को अपना शिकार बना सकता है, उसको निवाला बना सकता है, उसको खा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। परंपरागत शत्रुता को वे छोड़ देते हैं और एक ही जगह वो बैठे हुए रहते हैं। भाव यहाँ इसका यह है कि मोर सर्प का वैरी है, दुश्मन है, और बाघ मृग आदि पशुओं को मार डालता है, और ये जन्म से ही परस्पर विरोधी माने गए हैं, और एक ही स्थान पर ये कदापि नहीं रहते, परंतु गर्मी की जो भीषण जो प्रचंडता है उसकी उनको आत्मरक्षा की चिंता है कि इस भयंकर प्रचंड गर्मी से वो अपने आप को कैसे बचाएं। इसलिए इसी चिंता के कारण वे परस्पर वैर भूलकर शीतल छाया वाले एक स्थान पर आश्रय ले लेते हैं, जहाँ पेड़ की ठंडी शीतल छाया उनको मिलती है उसी के नीचे जाकर के अपना आश्रय स्थल बना लेते हैं। तो विशेष में हम यहाँ जो इस दोहे का जब हम विशेष लिखेंगे तो विशेष में हम क्या चीज ले सकते हैं कि लाला भगवान दीन ने कहलाने का अर्थ यहाँ किस लिए भी किया है, और उनके अनुसार प्रथम पंक्ति में राजा जयसिंह ने प्रश्न किया कि मोर सर्प और मृग बाघ किस लिए एक ही स्थान पर निवास करते हैं। द्वितीय पंक्ति में बिहारी ने उत्तर दिया कि तीव्र गर्मी के कारण जगत तपोवन बन गया है। यदि यह अर्थ मान लिया जाए तो कविता का चमत्कार न्यून हो जाता है, लेकिन बिहारी की काव्यगत प्रकृति के अनुसार व्याख्या में पहले दिया गया अर्थ ही उचित प्रतीत होता है। यहाँ प्रस्तुत जो दोहा है उसमें अनुप्रास अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है, यमक अलंकार इसमें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से कवि ने इसमें अपना वर्णन प्रस्तुत किया है। ठीक वैसा ही एक ऐसा वर्णन जो हम हिंदी साहित्य में यहाँ पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और वो वर्णन है कि भ्रमर जो होता है वो एक फूल पर कभी भी आश्रित नहीं रहता, वो एक फूल पर रसपान करके और दूसरे फूल पर जाकर बैठ जाता है। तो इसी को लेकर के वह केवल एक ऐसा पुष्प है जिसके ऊपर वह कभी बैठना नहीं चाहता, क्योंकि वह जानता है कि अगर मैं इस पुष्प पर बैठा तो उस पुष्प की जो गंध और जो सुगंध जो है वह उसको किसके समान लगेगी, जहर के समान, वो उसको मार डालेंगे, इसलिए वो उस पर जानबूझकर जाकर नहीं बैठता। तो एक बार एक चंपा के पुष्प को संकेतित करते हुए कवि के द्वारा उससे पूछा गया कि चंपा तुझ में तीन गुण, रूप रंग और वास, रस का लोभी भ्रमर फिर क्यों नहीं आवे पास। तो चंपा उस कविवर महोदय को क्या उत्तर दे रही है कि कविवर मुझ में तीन गुण, रूप रंग और वास, ठोर ठोर के मीत को कौन बुलावे पास। तो ये वैसी ही चीज यहाँ पर स्वाई राजा जयसिंह के द्वारा कवि बिहारी से की गई, क्योंकि कवि बिहारी यहाँ स्वाई राजा जयसिंह के राज दरबार में, जो जयपुर के जयपुर का जो राज दरबार था उसमें यहाँ राजकवि हुआ करते थे। और जब स्वाई जयसिंह के द्वारा ये पूछा गया कि भाई मृग मोर सर्प और मृग बाघ किस लिए एक ही स्थान पर निवास करते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, शत्रु हैं, लेकिन बिहारी के द्वारा जो इसका उत्तर दिया गया वो बिल्कुल ठीक है कि तीव्र गर्मी के कारण जगत तपोवन बन गया है, यानी उनको केवल भीषण गर्मी से बचना है, इसलिए वो एक साथ वहां दिखाई देते हैं। तो ये उत्तर बिल्कुल सटीक था कवि और महोदय का। अब है दोहा संख्या 20। कनक कनक ते सोगनो मादकता अधिकाय, उही खाए बोराए, यही पाए बोराए। कनक का तात्पर्य होता है
सोना, धतूरा, बोराई, बावला होना, पागल होना, और वहीं यानी धतूरा और यहीं सोना। यानी ये जो दोहा है वो बिहारी के द्वारा रचित किया गया है, और इसमें इस दोहे में बिहारी ने धन संपत्ति वाले व्यक्ति की मनोदशा का जो चित्रण है वो एक लोकोक्ति के अनुसार किया है कि कवि ये कह रहा है कि कनक और सोना, यानी सोना एक कनक का अर्थ यहां सोने से लेंगे गोल्ड, और दूसरे कनक का अर्थ हम यहां धतूरे से लेंगे, और दोनों ही व्यक्ति जो है अगर ज्यादा अवस्था में प्राप्त कर ले, अगर किसी व्यक्ति को आवश्यकता से ज्यादा सोना दे दिया जाए तो उस सोने को देख करके वो क्या हो जाएगा, बावला हो जाएगा, और यदि किसी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक क्या पिला दिया जाए, धतूरा का सेवन करा दिया जाए, तो वह धतूरे का सेवन करके वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, बोरा जाएगा, पागल हो जाएगा। तो यहाँ कवि कहता है कि सोना कनक में, कनक धतूरे से 100 गुनी मादकता होती है, क्योंकि धतूरे को खाने पर ही दुनिया बावली होती है, और सोने को तो पाने पर ही वह दुनिया क्या हो जाती है, बावली हो जाती है। यानी धतूरे का तो हम सेवन करते हैं तब दुनिया पागल होती है, और सोने को जब दुनिया प्राप्त करती है तो प्राप्त करते ही वो क्या हो जाती है, पागल हो जाती है। तो ज्यादा मादकता किसमें है, सोने में, गोल्ड में। यहाँ कनकु कनक शब्द क्रमशः सोना और धतूरे के वाचक हैं, और कवि ने इनका व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है और बतलाया है कि धन संपत्ति के पाने से ही व्यक्ति घमंड करने लग जाता है और वो क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। वो अपनी जो अपना जो मूल जो धरातल है उस धरातल को भूल जाता है, और वह अपने आप को यहाँ आप क्या मानता है, ऊंचा मानता है। तो इसलिए वह व्यक्ति क्या हो जाता है, ज्यादा धन संपत्ति को प्राप्त करके क्या हो जाता है, बावला हो जाता है, पागल हो जाता है। इसमें यमक अलंकार कनक कनक दो बार प्रयुक्त हुआ है, जब शब्द एक ही हो अर्थ अलग अलग हो तो वहां यमक अलंकार माना जाता है। पुनरुक्ति, काव्यलिंग और व्यतिरेक अलंकारों का कवि ने इनमें प्रयोग किया है। अब हम लेते हैं इनका 21वां दोहा। को कही सके बड़ेन सो लखे बड़ियो भूले, दीने दई गुलाब की इन डारन वे फूल। बड़ेनु यानी बड़ों से, डारनु यानी डार। ये जो दोहा है वो कवि बिहारी के द्वारा रचित है, और बिहारी सबसई से इसको लिया गया है। इसमें विधाता की जो निर्माण कला है, क्योंकि समस्त सृष्टि का जो सृजन है वो विधि के बनाने वाले विधाता के द्वारा किया गया है, और इस तरह से ये एक निर्माण कला संबंधी भूल यहाँ कवि बिहारी के द्वारा इसमें बताई गई है। कवि कह रहे हैं कि बड़ों लोगों से यदि कोई भूल या गलती हो जाती है तो उनसे कोई कुछ भी नहीं कह पाता। बिल्कुल सही बात है, बड़े लोगों से अगर कोई भूल या गलती हो जाती है तो छोटे लोगों का इतना साहस नहीं होता कि वे बड़े लोगों से वहाँ कुछ कह सके। और एक ऐसा ही दोहा हम साहित्य में पढ़ते हैं कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पिंड खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। यानी जैसे विधाता ने कंटीली डालियों में गुलाब के इतने सुंदर सुंदर मोहक फूल दिए हैं, अर्थात कांटों वाली डाल पर सुंदर फूल देना विधाता की भूल है, या सृष्टि रचना का अनुचित्य है कि सुंदर गुलाब के फूल के ठीक नीचे उन्होंने क्या दे दिए हैं, कांटे भी दे दिए हैं। और परंतु विधाता की इस गलती पर उसे दोषारोपण करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। बड़े कौन है यहाँ, विधाता। भाव यह है, इसका जो भाव हम लेंगे दोहे का, वो भाव यह है कि बड़े लोगों की भूल पर कोई कुछ नहीं कहते तथा छोटे लोगों की भूल पर उन्हें सब लोग क्या करने लग जाते हैं, लांछित करने लग जाते हैं, और संसार का यह व्यवहार क्या है, अनुचित है। विशेष में हम क्या लेंगे कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देने पर विधाता की भूल क्षम्य हो जाती है। यानी जो अयोग्य व्यक्ति है और यदि उसको कोई अच्छी सी चीज दे दी जाए तो यहां पर विधाता की जो भूल है वो क्षम्य हो जाती है। और अनुप्रास का प्रयोग कवि ने इसमें किया है, विरोध और अन्योक्ति अलंकारों का प्रयोग इस समस्त दोहे के अंतर्गत यहां हमें दिखलाई देता है। आगे हम 22वां दोहा इनका लेंगे। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंदो आगे कौन हवाल। इस दोहे का जिक्र मैंने आपको पूर्व के व्याख्यान में भी कर दिया है कि बिहारी जो है वो जयपुर के राजा सवाई जयसिंह के राज दरबार में राजकवि हुआ करते थे, और वहाँ दरबारी कवि होने के कारण वे साहित्य सर्जन वहाँ करते थे। और कहते हैं कि एक बार जयसिंह अपनी नवविवाहिता रानी के प्रेम बंधन में इस तरह से पड़ गया या आसक्त हो गया कि वो बहुत दिनों तक दरबार में नहीं आया और राजकार्यों को भी भूल गया, उन्हें बुलाने की हिम्मत किसी में नहीं थी।
इसलिए प्रमुख सरदारों के आग्रह पर बिहारी ने यह अन्योक्तिपूर्ण दोहा लिखकर राजा के पास जब भेजा तो इसे पढ़कर राजा का मोह भंग हुआ और वे राज कार्य में रुचि भी लेने लगे। इस दोहे पर राजा जयसिंह ने बिहारी को पुरस्कार भी दिया। इस घटना को प्रस्तुत दोहे में वर्णन किया गया है। व्याख्या हम करेंगे इसकी, प्रसंग इसका ये देंगे कि कवि बिहारी का ये दोहा है, अन्योक्तिपूर्ण ढंग से उन्होंने इसमें अपनी बात को स्वयं राजा जयसिंह के सामने रखा है और इसको बिहारी सरसई से लिया गया है। व्याख्या हम इसकी करेंगे कि हे भ्रमर, भ्रमर किसको कहा जा रहा है? राजा जयसिंह को। अभी इस डाल में न तो पराग है, डाल कौन है? नव व्याहता रानी। न मधुर मधुर शहद है और यह अभी पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हुई है। तू अभी से इस कली पर क्यों मंडरा रहा है? इस कली पर तू अभी से इतना आसक्त हो गया है, तो जब यह पूर्ण रूप में खिल जाएगी तो तब तेरा क्या हाल होगा? यानी जो रानी जो लेकर आया है वो रानी अभी तक यहाँ वयस्क नहीं है और उस कम उम्र की उस रानी के प्रेम जाल में ही वह इतना आसक्त हो गया है। जब वह जब वयस्क होगी तो उसका राजा का उसको देख करके क्या हाल होगा? अन्योक्ति इसमें क्या है कि जयपुर के राजा जयसिंह को लक्ष्य करके कवि और बिहारी ने कहा है कि अभी तो नवविवाहिता रानी बहुत छोटी है, उसके अंग प्रत्यंगों का अभी तक पूरा विकास भी नहीं हुआ है और उसमें यौन की मादकता भी अभी उपस्थित नहीं हुई है, फिर भी आप उस पर इतने आसक्त हो गए हैं। जब वह पूर्ण युति हो जाएगी तब तो पता नहीं आपका क्या हाल होगा। अर्थात विशेष में हम इसमें क्या बतलाएंगे कि कली मुग्धा नायिका के लिए इसमें प्रयोग में लिया गया है और अली कामातुर नायक के लिए कहा गया है। अली का अर्थ होता है भ्रमर, भौरा। भ्रमर की चंचलता यहाँ अविवेक का प्रतीक है और अन्योक्ति अलंकार का यहाँ चमत्कार प्रस्तुत दोहे में यहाँ द्रष्टव्य है। और क्योंकि उन्होंने अली किसको माना है? स्वयं राजा जयसिंह को। और कली किसको माना है? नव विवाहिता रानी को। अब है 23वां दोहा। मरतु प्यास पिंजरा पर्यो सुवा समय के फेर, आदर दे दे बोलियतु बायसु बली की बेर। सुवा किसको कहते हैं? तोता। बोलियतु यानी बुलाया जाता है, उसका नाम लेकर के उसको पुकारा जाता है। बायसु कौवा, बली श्राद्ध। श्राद्ध पक्ष में हम यहाँ किसका नाम ले लेकर के उसको बुलाते हैं? बड़े प्रेम से बुलाते हैं, कौवा। कौवा आ जा भाई और हमने जो बनाया है माल पुए वो खा करके चला जा, ये इस तरह से हम उसको आदर दे दे करके बुलाते हैं और तब वो खा करके जाता है, तब जा करके हम क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं। तो प्रस्तुत जो दोहा है ये बिहारी सत्सई से उद्धृत है, लिया गया है और इसमें कवि बिहारी ने समय विशेष के कारण गुणी व्यक्ति के निरादर एवं मूर्ख व्यक्ति के आदर पर यहाँ आक्षेप किया है कि समय विशेष के ही कारण गुणी का यहाँ निरादर हो जाता है और जो बिल्कुल जिसको हम मूर्ख कहते हैं उस मूर्ख को लोग क्या कर देते हैं? आदर दे देते हैं, उसका मान सम्मान कर देते हैं। तो कवि वर्णन करता हुआ कह रहा है कि समय के फेर से पिंजरे में बंद पड़ा हुआ तोता प्यास के मारे छटपटाता रहता है या समय पर उसको दाना पानी न देने से वह क्या हो जाता है? मर जाता है। वैसे तो लोग जो पिंजरे में तोता पालते हैं उस तोते को खाने के लिए चने की दाल मिर्च वगैरह और ये उसको डालते रहेंगे, पानी वगैरह उसको उसके पास में रख देंगे ताकि वो उसको खा करके क्या रहे? बिल्कुल मस्त रहे। लेकिन कई बार लोग क्या है उस पालतू तोते को भी दाना पानी चुग्गा और ये देने से वो क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। और जब वो भूल जाते हैं जो तोता उनके आगंतुक मेहमान का यहाँ आइए श्रीमान आपका स्वागत है ये कहकर के यहाँ क्या करता है? स्वागत करता है, उसको भी वो भूल जाते हैं क्योंकि दुनिया क्या है? स्वार्थी है। और इस तरह से किसका वो सम्मान करने लग जाती है? जबकि श्राद्ध पक्ष जब आता है तो श्राद्ध पक्ष में बेचारे तोते की हालत बुरी हो जाती है, पिंजरे में बंद उस तोते को कोई याद नहीं करता, दाना पानी और चुग्गा उसको उसके सामने कोई नहीं रखता। श्राद्ध पक्ष में वह व्यक्ति जो स्वार्थी है वह केवल किसको याद करता है? कौवे को। श्राद्ध पक्ष में कौवों को आदर से बुला बुला कर बलिदान का ग्रास दिया जाता है। विशेष इसमें क्या कहेंगे, घर में मौजूद गुणी व्यक्ति का तो निरादर किया जाता है और उसे आश्रय आदि नहीं दिया जाता, जबकि मूर्ख व्यक्ति को बुला बुला कर सम्मानित किया जाता है। लोक का यह व्यवहार उचित नहीं है। इसमें अनुप्रास अलंकार है और अन्योक्ति अलंकार का कवि ने इसमें प्रयोग किया है। जैसे एक दोहा भी हम साहित्य के अंतर्गत पढ़ते हैं, रे गंधी मति अंध तू इतर दिखावत काही, रे गंधी मति अंध तू इतर दिखावत काही।
तो ये इससे थोड़ा सा मिलता जुलता यहां भाव प्रकट कर रहा है। अब है 24वां और आपके पाठ्यक्रम का अंतिम दोहा, जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जानो नाही, जो आखिनु सब देखिए आखिन देखी जाही। जनायो का तात्पर्य होता है ज्ञान का विषय बनाया, सबको जानने योग्य बनाया, देखिए देखा जाता है। प्रसंग इसका हम लेंगे कि प्रस्तुत जो दोहा है वो बिहारी का है और इसको बिहारी सबसे से लिया गया है। इसमें कवि बिहारी ने अपनी भक्ति भावना से यहाँ संबंधित दोहे के रूप में इसमें रखा है और इसमें भगवान को ज्ञानातीत और अगम्य बताया गया है। कवि बिहारी कह रहे हैं कि जिस भगवान ने संपूर्ण चराचर विश्व को इंद्रिय ज्ञान का विषय बनाया है, वही भगवान ज्ञानातीत है, अगम्य है, अगोचर है, वर्णनातीत है। जैसे आंखों के द्वारा सब कुछ देखा जा सकता है किंतु स्वयं अपनी आंख को नहीं देख सकते। आंखों का काम क्या है? संसार को देखना, दूसरे को देखना। लेकिन ये आंखें जो संसार को और दूसरों को देखने वाली होती है, क्या इन्होंने कभी अपने आप को स्वयं को देखा? नहीं। जैसे दीपक जलता है और पूरे जगत में वह प्रकाश करता है, लेकिन उस दीपक के नीचे क्या रहता? हमेशा अंधेरा रहता है। वैसे ही स्वयं अपनी आंख को नहीं देख सकते, वैसे ही संसार की रचना करने वाले ईश्वर को यहां प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखा जा सकता। विशेष हम इसमें लेंगे कि यह संपूर्ण संसार ब्रह्मा का विवर्त है और वही ब्रह्मा इसे उत्पन्न करता है, उसी ब्रह्मा के द्वारा इसको सृजित किया गया है, बनाया गया है, और समस्त सृष्टि का निर्माण भी उसी के द्वारा किया गया है। वह आदि है, अनंत है और बिल्कुल अविरल रूप में है, ज्ञानातीत और अगम्य अगोचर है। परंतु स्वयं वह ब्रह्मा अपरिवर्तनीय है, मन वाणी से अगोचर और ज्ञानातीत है। ऐसे अगोचर ब्रह्मा की महिमा का बखान करना भी यहाँ क्या है? कठिन है। तो इस तरह से कवि बिहारी ने, यानी इनका जो पहला दोहा था वो पहला दोहा भी यहाँ इनका भक्ति से संबंधित था और अंतिम जो दोहा है वो भी भक्ति भावना से संबंधित है। पहला दोहा इनका क्या था? मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। क्योंकि राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा कृष्ण संप्रदाय के ये अनुयायी थे और इसीलिए उन्होंने अपना पहला दोहा मंगलाचरण के रूप में अपने आराध्य देवताओं को यहाँ समर्पित किया है। और अंतिम जो दोहा है वो दोहा भी यहाँ बिल्कुल भक्ति भावना से प्रेरित होकर के ही, भक्ति भावना से संबंधित ही उन्होंने अपने इस पद में, अपने इस बिहारी सत्संग में उन्होंने लिया है। यानी जिन आखिन जिन जगत जनायो जिहि सकल सुहरि जानो नाही, जिसने समस्त संसार को जनाया है, अर्थात समस्त संसार को बनाया है, निर्मित किया है, उस समस्त संसार को बनाने वाले को जिसने जानने का कभी प्रयास ही नहीं किया है। और जो आंखें सब देखिए, ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है कि जिस तरह से हम अपनी आंखों से सब कुछ देखते हैं, लेकिन ये आंखें हमारी जो है, जो देखने का काम करती है, आंखें स्वयं अपने आप को नहीं देख पाती हैं। आंखें देखी जाही, उसी तरह से समस्त जगत और संसार को बनाने वाला जो ब्रह्मा है वह किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह सबको देखता है। आज आपका जो ये कबीर का जो उसका बिहारी का जो आपका जो पाठ्यक्रम था वो कुल दोहे हैं बिहारी सत्संग के, बिल्कुल उससे लिए गए आपके पाठ्यक्रम में, और वो उनकी कुल संख्या है 24। ये 24 के 24 दोहे आज आपको यहाँ विस्तृत रूप में सहप्रसंग व्याख्या सहित बतला दिए गए हैं और आशा है कि आप इनको अच्छी तरह से याद भी करेंगे ताकि परीक्षा में आपको ये बहुत उपयोगी साबित हों। धन्यवाद।